अस्सलाम वालेकुम। कराची में बिल्डर से 1.5 करोड़ डकैती के दौरान मुकाबला, जख्मी डाकू, गार्ड और शहरी चल बसे। पूरा इलाका गोलियों से गूंज उठा। फिजा सोगवार और हर आंख अशकबार हो गई। क्या आप हालात हाजरा से आगाही हासिल करना चाहते हैं, खबर के पीछे छुपे असल हकाइक जानना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए दिलमिल पाकिस्तान को और साथ ही घंटी के निशान पर क्लिक कर दें। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके जौहर मोड़ मिलेनियम मॉल के करीब बिल्डर से 1.5 करोड़ डकैती के दौरान मुकाबला हुआ, जिसके बाद 3 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए, जबकि 1 शहरी और सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुए। बाद इसा जख्मी डाकू, गार्ड और शहरी चल बसे। दौरान डकैती शहरी को जख्मी करने पर एहतजाज भी किया गया। निजी बैंक से 1.5 करोड़ लेकर निकलने वाले अफराद से डाकू ने वारदात की। इतला मिलते ही पुलिस ने रकम छीनने वाले डाकुओं का ताकुब किया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकाबले के बाद 2 मुलजिम जख्मी हालत में पकड़े गए, जबकि तीसरा मुलजिम फरार होकर करीबी मॉल में घुसा, जिससे शहरियों ने पकड़ लिया। लूटी जाने वाली 1.5 करोड़ की रकम महफूज है। बाद इसे जख्मी सिक्योरिटी गार्ड खावर मुबीन, शहरी और गिरफ्तार डाकू जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए।